न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 2021 के आखिरी शाम तो वहीं 2022 का आगाज, लेकिन कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के कारण जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें रात को 11 बजे के बाद किसी भी रेस्टोरेंट, होटल या फिर मॉल में जश्न नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि हरियाणा सरकार के आदेशानुसार रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। इस कारण जिले के कई ऐसे होटल और रेस्टोरेंट हैं जहां पर पहले कभी जश्न मनाया जाता था, लेकिन आज ये स्थान खाली पड़े हैं। यमुनानगर के एक होटल मालिक का कहना है कि आज के दिन उनके होटल में सीट खाली नहीं मिलती थी और डीजे पर लोग थिरकते थे, लेकिन आज डीजे भी शांत पड़ा है और होटल खाली है। होटल मालिक की माने तो आज की रात ही उन्हें 1 से 1.5 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ माना जा सकता है, लेकिन फिर भी वे जिला प्रशासन के साथ हैं और जो भी निर्देश जिला प्रशासन की ओर से मिले हैं वे उनकी पालना कर रहे हैं। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। सर, आज 31 दिसंबर है, इस साल की आखिरी रात, लोग इतना सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज कोविड पेंडेमिक के चलते हुए ये असर देखा जा रहा है होटल इंडस्ट्री के ऊपर भी। ग्लोबल पेंडेमिक का जितना असर होटल इंडस्ट्री पे हुआ है उतना और किसी इंडस्ट्री पे नहीं हुआ। लगातार 2-3 साल से ये इंडस्ट्री ह्यूज लॉस में जा रही है, और आज जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे को जो गाइडलाइन दी है कि आप 11 बजे तक इसको रन कर सकते हैं, उसके बाद आपको क्लोज करना है, तो हम स्ट्रिक्टली एडमिनिस्ट्रेशन को ही गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और उसके बाद जैसा भी होगा गाइडलाइन उसको फॉलो करेंगे। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन की, हम इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरी तरह से हैं, लेकिन जिसकी वजह से हमारी सारी पार्टीज कैंसिल हो रही हैं, लोग हमारे पास आ रहे हैं कि सेलिब्रेशन का क्या प्रोग्राम है, हम जैसे ही उनको 11 बजे तक का कहते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि नहीं यार 11 बजे तक तो क्या सेलिब्रेशन करेंगे, सेलिब्रेशन न्यू ईयर ही 12 बजे के बाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।